वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस मतलब वन मोल किसी भी सब्सटेंस का वो सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स के इक्वल होगा जैसा कि के वन के जी में हज़ार ग्राम होता है एक दर्जन में ट्वेल्व बनाना आर एग होते हैं इसी तरह से वन लीटर में थाउजेंड एम एल होते हैं अगर हम मेरे पास कोई भी सबस्टांस है चाहे वो एटम है मालिक्यूल है फार्मूला यूनिट है या फिर आइन है तो उन सब का जो उनका क्या है मास है अगर उसको अटामिक मास मालिक्यूलर मास फार्मूला यूनिट मास या फिर आइनिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो इक्वल होगा 6.02 पॉइंट ज़ीरो टू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम वन ऑफ कार्बन इक्वल टू ट्वेल्व ग्राम जो इसका अटामिक मास है उसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया और वो किस, कितने के इक्वल है सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री इसी तरह से वन मोल ऑफ वाटर जो एच टू है उसका मालिक्यूलर मैस को रिप्रेजेंट किया ग्राम में किसके इक्वल है सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल और एन ए सी एल इसका फार्मूला मास फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ग्राम इसको रिप अगर ये देखें तो कितने के इक्वल है 6.02 पॉइंट जीरो टू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री फार्मूला यूनिट इसी तरह से अगर हैड्रोक्सेलाइन अगर इसका मोलर मैस देखें 17 ग्राम है ये भी किसके इक्वल होगा 6.02 पॉइंट जीरो टू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री आइंस मतलब वन मोल ऑफ एटम वन मोल ऑफ मालिक्यूल वन मोल ऑफ फार्मूला यूनिट वन मोल ऑफ आइन आल इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री अगर हम देखें तो आ, मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं पहला जो फार्मूला है वो अगर मैस दिया हुआ है तो फिर हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए फार्मूला है मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस इसके लिए एग्जांपल हमारे पास है हाउ मैनी मोल्स ऑफ एन एस सी एल के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे इन 117 ग्राम ऑफ एन अब एन का मैथ दिया हुआ है मैथ ऑफ एन एस ग्राम मोलर मैस एन का हमें पता है 58.5 ग्राम होता है अगर हमने इसमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है मैथ तो मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैथ मैस ओवर मोलर मैथ मैस कितना है एक सुस्तारा. और मोलर मैस कितना है फिफ्टी ग्राम अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है टू सो एन इज़ इक्वल टू टू यानी कि एन ए सी एल जो है उसके दो मोल्स हैं एक सौ सतारह ग्राम एन ए सी एल में अब दूसरा फार्मूला इसका हमारे पास है कि अगर मोल्स कैलकुलेट करें वॉलीम अगर दिया हुआ है और ये वॉलीम एस टी पी पे होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ये दूसरी एग्जाम्पल है इसमें उसने ट्वेल्व लीटर ऑफ सीओ टू गैस गैस का वॉल्यूम दिया ट्वेल्व लीटर एट एस टीपी है तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर आर डी एम क्यू तो वॉल्यूम एन हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं वॉल्यूम दिया हुआ है ट्वेल्व तो लीटर तो फार्मूला यूज करेंगे एन इज इक्वल टू वॉलीड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो वॉलीम हमारे पास ट्वेल्व है और डिवाइड करेंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर से आंसर आएगा जीरो पॉइंट फाइव थ्री ये दूसरा फार्मूला अगर हमारे पास वॉलीम दिया हुआ है एस टी पी पे तो हम फिर उसको डिवाइड करेंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर से और तीसरा फार्मूला हमारे पास है कि मोल्स इज इक्वल टू मालिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू ट्वेंटी थ्री यानी कि एन एवो नंबर से डिवाइड करेंगे अगर मालिक्यूल्स दिए हुए हैं या एटम दिए हुए हैं पहला हमारे पास फार्मूला था कि मास दिया हुआ था हम उसको मोलर मैथ से डिवाइड करते थे मोल्स आ जाते थे दूसरा हमारे पास हमारे वॉल्यूम दिया हुआ था 22.4 से डिवाइड किया मोल्स आ गए तीसरा हमारे पास मालिक्यूल्स दिए हुए होंगे या एटम दिए हुए होंगे तब हम उसको 6.02 पॉइंट जीरो टू टेन टू पावर ट्वेंटी से डिवाइड करेंगे इसकी एग्जाम्पल जो है 6 मल्टीप्लाय टेन टू पावर 24 फोर मालिक्यूल्स ऑफ एन टू गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है उसके मालिक्यूल्स दिए हुए हैं 6 मल्टीप्लाय टेन टू पावर 24। अब हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट तो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स जो है वो कितने हैं सिक्स मल्टीप्ले टेन टू पावर ट्वेंटी फोर हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे एन इज इक्वल टू मालिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स कितने हैं सिक्स मल्टीप्ले टू पावर ट्वेंटी फोर डिवाइड किससे करेंगे एन ए से आंसर है ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन टेन टू पावर ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी थ्री ऊपर ट्वेंटी फोर है जब ये ट्वेंटी थ्री ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ट्वेंटी थ्री ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन टेन टू पावर वन अब ये आ जाएगा नाइन पॉइंट नाइन मोल्स तीन डिफरेंट फार्मूलाज से हमने कैलकुलेट किया मोल को अगर मैथ दिया हुआ है फिर मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल मैथ से डिवाइड करके अगर वॉलीम दिया हुआ है फिर हम क्या करेंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर से डिवाइड करके अगर हमारे पास मालिक्यूल्स या एटम दिए हुए हैं फिर हम उसको एन ए से डिवाइड करेंगे